हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरसीसी एजुकेशन पॉइंट। आज के टॉपिक में हम लोग शुरुआत करने वाले हैं 11th क्लास का बेसिक मैथमेटिक्स। तो चलिए हम लोग इस टॉपिक को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कॉमन फार्मूला। कॉमन फार्मूला इसमें कुछ a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये सब फार्मूला हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, पहले भी जान चुके हैं, जो हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स में कहीं ना कहीं यूज होगा। तो इसलिए इस चीज़ को बताना बहुत ही बेहतर समझा मैंने। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, फिर अगला यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ से कितना आ जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला आ जाएगा कितना कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू ए सी। ठीक है, यदि बहुत ही अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक ज़रूर करें। तो अब यहाँ से a प्लस बी का होल क्यूब, क्यूब वाला देखते हैं। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी, ये चीज़ आ गया। फिर अगला हम लोग देखते हैं क्या कि ए माइनस बी का होल क्यूब जब देखेंगे तो इसमें आ जाएगा कितना, यहाँ पर कितना आ जाएगा ए माइनस बी का होल क्यूब, तो कितना आ जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या इतना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी, ये हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला अब यहाँ से क्या हो जाएगा, इस चीज़ को हम लोग देख रहे हैं क्या, यदि ये दोनों को जोड़ दिया जाए, ये दोनों को जोड़ दिया जाए तो क्या निकल करके आएगा। ध्यान से देखिए यहाँ पर कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, जब ये दोनों को जोड़ दिया जाए तो हमको क्या निकल करके आएगा। यहाँ ध्यान से देखिए, ये दोनों को जोड़ दिए, मतलब इसको और इसको जोड़ दिए, दोनों को, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना ये जुड़ जाएगा, ये जुड़ जाएगा, लेकिन टू ए बी मेरा कट जाएगा। तो यहाँ टोटल कितना निकल के आएगा, टू ए स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर आ जाएगा। जब इसको कॉमन लेंगे तो कैसा आ जाएगा, टू इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकल करके मेरा आ जाएगा। जब इसको जोड़ दिए तो ये आ गया टू इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको घटा दिया जाए तो क्या निकल करके आएगा, ध्यान से देखिए। जब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे इन दोनों को, इन दोनों इसको इसमें इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, तो चलिए क्या होता है देखते हैं। कितना a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, जब इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए ध्यान से, सब्ट्रैक्ट कर घटा रहा है तो इसमें से इसको घटाना है ना, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो ये माइनस तो ये कट जाएगा, ये माइनस तो ये कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, फोर ए बी तुरंत निकल करके आएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको इधर खोलिए, इसको इधर खोल करके माइनस का साइन अंदर घुसा दीजिए, उसके बाद निकल कर कैलकुलेशन करेंगे तो ये चीज़ मेरा निकल करके आ जाएगा। तो चलिए इसको नोट कीजिए, या नहीं तो फिर आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फिर हम लोग आगे शुरुआत करते हैं, इसको नोट कीजिए। चलिए इसको नोट करने के बाद आगे देखते हैं क्या कि पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल जो हो सकता है वो टू टाइप्स का हो सकता है, दो कंडीशन का हो सकता है। या तो एक क्या हो सकता है, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल हो सकता है, या तो टू और मोर देन टू वेरिएबल का पॉलिनोमियल हो सकता है। तो देखते हैं क्या कि वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल क्या होगा। तो उसको देखते हैं क्या कि या तो वो एक ही वेरिएबल में पॉलिनोमियल हो, या तो एक्स वाई जेड और सब में भी एक्स्ट्रा ऐसा वो आते आते रहे, तो इस टाइप का वो क्या हो सकता है, पॉलिनोमियल हो सकता है। तो देखते हैं वन वेरिएबल में क्या हो सकता है, चाहे तो वो एक्स के टर्म में रहे, चाहे तो वाई के टर्म में रहे, चाहे तो वो जेड के टर्म में रहे। तो एफ ऑफ एक्स देखते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब डॉट 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 ए एन एक्स एन, ये हो सकता है क्या कि वन वेरिएबल पॉलिनोमियल हो सकता है, ऐसा कंडीशन हो सकता है। जब यहाँ पर आ जाए क्या कि टू और मोर देन टू वेरिएबल पॉलिनोमियल
कैसा हो सकता है, तो चलिए इसको देखते हैं। तो ये मेरा हो सकता है कैसा, इसका जब हम लोग देखेंगे तो f ऑफ x या y, मतलब x कोमा y, ठीक है। अभी टू वेरिएबल लेते हैं, टू वेरिएबल में तो इसको देखते हैं क्या कि a नॉट प्लस क्या हो सकता है a1 xy प्लस a2 x स्क्वायर y स्क्वायर, ऐसा ही कुछ होगा, प्लस a3 x क्यूब y क्यूब प्लस डॉट 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 ए एन एक्स पर पावर एन वाई पर पावर एन, कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो चलिए ये मेरा क्या हुआ कि टू और मोर देन टू वेरिएबल का ये कुछ ऐसा कंडीशन होगा। तो चलिए इस चीज़ को समझने के बाद हम लोग चलते हैं क्या कि इंडेक्स या फिर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो हम लोग देखते हैं क्या कि पॉलिनोमियल में हम लोग जब बताते हैं कि पावर ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, किसी भी पॉलिनोमियल में हम उसका डिग्री कैसे बताते हैं, तो चलिए इस चीज़ को देखते हैं। इसका डिफिनेशन पहले कह रहा है क्या कि द डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, द डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इज़ द हाईएस्ट डिग्री ऑफ इट्स टर्म। यहाँ कह रहा है क्या कि किसी भी बहुपद के उस टर्म का जो है हाईएस्ट पावर जो होगा वही मेरा क्या कहलाएगा, डिग्री कहलाएगा। तो चलिए इसको एग्जांपल में देखते हैं हम लोग। तो एग्जांपल में यहाँ पर है क्या, कोई पॉलिनोमियल है एफ ऑफ एक्स ही है, ठीक है। तो एग्जांपल में क्या है कि एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स क्यूब प्लस फोर एक्स प्लस थ्री, कुछ इस टाइप का है, ठीक है। तो अब इस हम लोग पॉलिनोमियल में हम लोग बोलेंगे, इस इक्वेशन में बोलेंगे क्या कि बताओ कि इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, इसका डिग्री क्या है, इस इक्वेशन का डिग्री क्या है। तो जब हम लोग जब यहाँ से करेंगे क्या कि जब इसका डिग्री निकलाएंगे, तो जब इसका जब किसी भी टर्म का हम लोग क्या देखेंगे, हाईएस्ट पावर देखेंगे। इसका हाईएस्ट पावर कितना है, टू है। इस टर्म का हाईएस्ट पावर टू है, इस टर्म का हाईएस्ट पावर क्या है, थ्री है। और इस टर्म का हाईएस्ट पावर कितना है, वन है। इस टर्म का हाईएस्ट पावर कितना है, जीरो है। तो अब हम लोग क्या देखेंगे कि किसी भी बहुपद के, ये बहुपद है मेरा, ये किसी इस बहुपद का जिस टर्म का हाईएस्ट पावर होगा तो वही मेरा क्या कहलाएगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर इस टर्म का है तो इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना होगा, थ्री होगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल टू थ्री, इस इक्वेशन का। अब अगला देखते हैं क्या कि दो वाला कंडीशन में रहे तो इसको कैसे बनाएंगे। यहाँ पर देखते हैं क्या कि एफ ऑफ एक्स कोमा वाई है, कुछ इस टाइप का है, ठीक है। जब इसको देखेंगे क्या देखेंगे हम लोग, बराबर कितना देखेंगे कि एक्स वाई स्क्वायर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर वाई पर पावर थ्री प्लस फोर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस थ्री एक्स वाई प्लस फोर, ये इस टाइप का है, कुछ इस टाइप का। अब इसमें हमको बताना क्या है कि इस पॉलिनोमियल का जो है हाईएस्ट पावर कितना है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना है इस इक्वेशन का, इस बहुपद का, इस पॉलिनोमियल का। तो आप यहाँ कहेंगे क्या कि इसका जो है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो है, मतलब कहने का मतलब इसका जो हाईएस्ट पावर जो है इस टर्म का कितना है, थ्री है। इस टर्म का कितना है, थ्री है। तो यहाँ कितना, थ्री कह देंगे कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मेरा कितना आ जाएगा, थ्री आ जाएगा। जो मेरा कितना आ जाएगा, ये गलत निकल कर के आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कहेगा क्या माजरा भाई, क्यों गलत हुआ, क्यों, यहाँ तो मेरा डिग्री ऑफ हाईएस्ट पावर कितना है मेरा, तीन है, तो तीन होना चाहिए। लेकिन ये ऐसा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब हम लोग इस चीज़ को देखते कैसे हैं कि उस टर्म के साथ जो है जितने भी वेरिएबल टर्म है उसका पावर को हम लोग ऐड कर लेते हैं, उस टर्म का पावर को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करके देखते हैं कि किस टर्म का पावर ऐड करके जो है ज़्यादा आ रहा है। तो इस टर्म का देख रहे हैं तो इसका एक्स पर पावर कितना है, वन है। इस पर पावर कितना, टू है। तो इस दोनों को ऐड किया तो कितना, थ्री हो गया। इस टर्म को जोड़े तो कितना हुआ, इस पर पावर एक्स पर पावर टू है, वाई पर पावर थ्री है, तो उन दोनों को जोड़े तो कितना हुआ, फाइव हो गया। फिर एक्स पर पावर टू है और वाई पर पावर टू है, दोनों को जोड़े तो कितना हुआ, फोर हो गया। एक्स पर पावर कितना है, वन है, और वाई पर पावर कितना है, वन है, तो इन दोनों को जीरो तो कितना हुआ, टू हो गया। यहाँ तो वाई फोर का पावर तो जीरो है ही। तो अब यहाँ पर मेरा कितना आया, ये थ्री आया। यहाँ पर मेरा कितना आया, यहाँ पर मेरा पाँच आया।
और यहाँ पर मेरा 4 आया, यहाँ पर मेरा कितना 2 आया, यहाँ पर मेरा 0 आया। अब देखती हम लोग क्या कि किस टर्म का जो है डिग्री ऑफ ज़्यादा आया, पावर जो है किस टर्म का ज़्यादा आया। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं क्या कि 5 है। तो इस बहुपद का, इस पॉलिनोमियल का डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा? 5 होगा। तो चलिए यहाँ तक हम लोग दोनों को, दोनों वेरिएबल, जितना भी वेरिएबल आए उन सभी वेरिएबल का पावर को ऐड करके तभी हम लोग क्या बताते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बताते हैं। जब 2 or more than 2 वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल आए तब ऐसा कंडीशन में हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना जाएगा? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। चलिए इसको भी नोट कीजिए, या नहीं तो आप लोग क्या कीजिए, जल्दी से जल्दी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आगे देखते हैं क्या है हम लोग का। चलिए इस चीज़ को नोट करने के बाद फिर हम लोग आते हैं क्या पॉलिनोमियल का ही फिर अगला पार्ट, लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन को समझते हैं हम लोग, लीनियर इक्वेशन क्या है। अब इस चीज़ में हम लोग जो है अभी बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं फिजिक्स का, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ हमको फिजिक्स में यूज होने वाला है। हम ये चीज़ मैथ नहीं पढ़ा रहे आप लोग को, ये समझिए कि बेसिक चीज़ जो हमको फिजिक्स में यूज होने वाला है, हम 11th क्लास के कहीं ना कहीं फिजिक्स में, चाहे 11th में हो चाहे 12th में हो, कहीं ना कहीं बेसिक मैथमेटिक्स यूज होने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो पूरे फिजिक्स में काम आता है। तो ये मत समझिए कि हम आपको मैथ पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो अब समझिए क्या कि लीनियर इक्वेशन, इन सभी चीज़ को हम लोग मैथ में जब हम लोग पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं और फिर हम लोग 11th क्लास में जब इसको पढ़ेंगे तो बहुत ही डीपली से हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। जहाँ जहाँ हमको ज़रूरी पड़ता है तो उस चीज़ को हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉइंट आउट करके हम लोग आगे निकलते चल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन, तो लीनियर इक्वेशन हम लोग किसको बोलते हैं कि इक्वेशन हैविंग डिग्री ऑफ 1। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है लीनियर इक्वेशन उन इक्वेशन को बोलते हैं कि जिसके पास क्या हो, डिग्री कितना हो, 1 हो। तो चलिए इसको देखते हैं। तो जब डिग्री 1 हो तो इसका जनरल फार्मूला हो गया x + b = 0, जहाँ क्या हो, a ≠ 0। जब a ही मेरा क्या हो, 0 के बराबर हो जाएगा तो इसका मतलब ये मेरा लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। मिनिमम जो है डिग्री कितना होना चाहिए, 1 डिग्री का होना चाहिए, तभी वो लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। तो अब इसका एग्जांपल देखिए, ये मेरा क्या है, लीनियर इक्वेशन है, ठीक, 2x + 3 = 4, ये मेरा क्या लीनियर इक्वेशन है। और अगला देखिए x + y, ये भी मेरा क्या है, लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि दोनों का पावर कितना है मेरा, 1 है। अलग अलग है, अलग अलग टर्म है, लेकिन पावर मेरा कितना है, 1 है। तो ये मेरा क्या लीनियर इक्वेशन में आएगा। और अगला क्या हो सकता है कि 2x + y = 0, ये भी मेरा क्या है, लीनियर इक्वेशन है। एज सुन एज इस टाइप से ये आते रहेगा। तो अब आगे हम लोग देखते हैं क्या कि लीनियर इक्वेशन का जो होता है रूट्स क्या होता है, इसका लीनियर इक्वेशन का रूट्स हम लोग देखते हैं। रूट्स जब हम लोग इसका निकलाएंगे तो ax + b = कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ax = -b, तो x = कितना हो जाएगा, -b/a, ये मेरा क्या आ जाएगा, रूट्स आ जाएगा। तो b मेरा क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म, ठीक। और ए मेरा क्या है, कोफिशियंट ऑफ एक्स, ये चीज़ मेरा है। तो ये मेरा क्या निकलता है, इसका लीनियर इक्वेशन का रूट्स ऐसे निकलता है कि x = कितना, -b/a, कॉन्स्टेंट टर्म / कोफिशियंट ऑफ एक्स, ये चीज़ आ गया। अब इसका हम लोग देखते हैं क्या कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ क्या होता है, ग्राफ, इसका जो ग्राफ का नेचर होता है लीनियर इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन होता है। कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन, ठीक। स्ट्रेट लाइन कैसा होता है इसको थोड़ा हम बताते हैं, ग्राफ फिर जब हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में मैथ में बहुत ही डीपली से हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। तो ग्राफ इसका क्या होता है, स्ट्रेट लाइन कैसे होता है, तो एक एग्जाम्पल के ही तौर पर हम लोग समझ जाते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं। यही एग्जाम्पल लेते हैं क्या मेरा कि x + 4 = 3 है, या फिर 2 ही ले लेते हैं, या 5 ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसका हमको, ये मेरा क्या है लीनियर इक्वेशन है, ये
तो इसका x का मान कितना आ जाएगा 5-4, तो x बराबर कितना आ गया 1 आ गया। तो x बराबर 1 का जो ग्राफ होता है कैसा होगा, तो ध्यान से देखिए, ये मेरा क्या है x एक्सिस, ये मेरा y एक्सिस, सॉरी ये मेरा x एक्सिस है, ये मेरा x एक्सिस, ये मेरा y एक्सिस, ठीक। ये मेरा ओरिजिन होता है जिसको हम लोग हिंदी में मूल बिंदु बोलते हैं। तो अब हमको क्या निकालना है कि x इक्वल टू 1 पर ग्राफ खींचना है। तो x इक्वल टू 1 पर पॉजिटिव में है, तो ये 1 यहाँ कहीं होगा, ठीक है, 2 इधर कहीं होगा। तो अब y का मान तो है नहीं, y का मान क्या हो सकता है, 0 होगा। तो y का मान कुछ नहीं, तो इसका मतलब वो 0 है। तो 0 कहाँ पर y का मान होता है, x एक्सिस पे y क्या होता है, 0 होता है। तो जब x इक्वल टू 1 का जो ग्राफ खींचेंगे तो क्या निकलेगा, y एक्सिस के पैरेलल होगा, पैरेलल टू y एक्सिस। ये क्या होगा, x इक्वल टू 1 का ग्राफ, ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन होता है। तो लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, मेरा स्ट्रेट लाइन होता है। एक और एग्जांपल समझते हैं इसका, क्या है मेरा एग्जांपल, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 है, ये मेरा कुछ है ना। इसका जब हम लोग समझेंगे क्या कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, ये हम लोग बेसिक चीज़ पढ़ा रहे हैं जो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। तो चलिए, जब यहाँ पर हम लोग क्या निकलाएंगे, वैन x इक्वल टू 0 मान लेते हैं, x इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, जब x का मान 0 रखेंगे तो y इक्वल टू 2 आ जाएगा। जब हम लोग क्या रखे, y इक्वल टू 0 रखे, अगेन क्या रखे, या तो आप x का मान ही दोनों रख सकते हैं, या नहीं तो आप अलग अलग, एक बार x का मान 0 रखिए, एक बार y का मान 0 रखिए, जिससे हमको क्या होगा, आसान होगा। तो y का मान हम 0 रखे तो x का मान कितना निकल के आया, 2 निकल के आया। एक पॉइंट मेरा क्या है, 0.2 पहले हमको क्या लिखते हैं, x एक्सिस पॉइंट लिखते हैं, मतलब x का कोऑर्डिनेट लिखते हैं, उसके बाद y का कोऑर्डिनेट लिखते हैं, फिर यहाँ पर जब लिखेंगे तो पहले x का कोऑर्डिनेट 2.0, पहले x का कोऑर्डिनेट कितना मेरा 2 है, फिर y का कोऑर्डिनेट कितना है 0 है। तो ये मेरा दोनों कोऑर्डिनेट निकल के आया है, जिसको हम लोग निर्देशांक बिंदु बोलते हैं। अब इसको हम लोग ग्राफ में ड्रॉ करना है। जब इसको ग्राफ में ड्रॉ करेंगे तो देखिए ध्यान से, ऊपर में ही हम खींचते हैं इसको ग्राफ में, या फिर इसको आप नोट कर लिए हैं तो इसको हम अरेंज कर दे, मिटा देते हैं। देखिए, इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब इसको देखिए हम लोग, ये ग्राफ है, यहाँ पर ये मेरा वाई एक्सिस हो गया, ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया, ठीक, ये मेरा माइनस में हो गया, ये भी माइनस में हो गया, ठीक है, ये मैं वाई एक्सिस, ये मेरा क्या ओरिजिन है। अब हमको क्या खींचना है, ये ग्राफ खींचना है इसका, x प्लस वाई इक्वल टू 2 का। जब ग्राफ खींचेंगे तो पहले, सबसे पहले यहाँ देखिए, ये मेरा कितना 1, ये मेरा कितना 2, ये मेरा 3, इधर भी ये मेरा 1, ये मेरा 2, ये मेरा 3, ऐसे ऐसे करके हैं, यही दोनों का ज़रूरत पड़ेगा। तो पहला है क्या कि 0.2, x क्या है 0 है, x कहाँ पर 0 होता है, y एक्सिस में x क्या होता है 0 होता है। तो y एक्सिस कहाँ है, हमको कितना कदम चलना है, 2 कदम की दूरी पर चलना है, 2 यूनिट चलना है, तो यहाँ पर आ गया। मतलब ये कोऑर्डिनेट कहाँ पर है, 0.2 कहाँ पर है मेरा, यहाँ पर कहीं है, ठीक है। और अगला है क्या कि 2.0 कहाँ होगा, अब ये 0, y कोऑर्डिनेट मेरा 0 है, तो y कोऑर्डिनेट 0 कहाँ होता है, x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो ये y कोऑर्डिनेट, मतलब यहाँ पर x एक्सिस में y कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो यहाँ कहीं 2 यूनिट्स पर यहाँ पर होगा 2.0। अब इसको जब इन दो पॉइंट से हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ पर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब यहाँ से इन दोनों पॉइंट को आप ज्वाइनिंग कर दीजिए, जो वही मेरा क्या होगा, x प्लस वाई बराबर 2 का क्या होगा, ग्राफ होगा। तो यहाँ से दोनों पॉइंट को जब ड्रॉ करेंगे तो ये मेरा थोड़ा सीधा नहीं जा रहा है, टेढ़ा जा रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन है, कहीं ना कहीं ये स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, ठीक है। x प्लस वाई इक्वल टू 2 का ये मेरा ग्राफ है। तो आप, हम लोग तो जान गए कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। तो चलिए, अब इसको नोट कीजिए। अब हम लोग देखते हैं क्या कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो कैसे क्या होता है, इसको हम लोग देख ही लेते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसे होता है, और फिर या नहीं इसका हम लोग रूट्स कैसे निकालते हैं, और फिर इसका जो है ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। तो चलिए, इसको नोट कीजिए, फिर अगला हम लोग देखते हैं। लीनियर इक्वेशन हम लोग नोट डाउन करने के बाद फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह रहा है क्या कि इक्वेशन हैविंग डिग्री ऑफ 2, किसी भी इक्वेशन का डिग्री कितना 2 हो तो वो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। तो यहाँ पर है क्या, इसका जनरलाइज फॉर्म है,
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो व्हेन जब हेंस अतः ए डज नॉट इक्वल टू जीरो। ए क्या जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए? यदि एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट जीरो के बराबर हो जाए तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा ही नहीं। क्यों? ये जीरो हो गया तो ये भी जीरो, तो बसेगा वही लीनियर इक्वेशन। तो कंडीशन यहाँ पर है कि इस कंडीशन पे ए डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अब हम लोग को इसका देखते हैं रूट्स। इसका जब रूट्स जब देखेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए ध्यान से रूट्स, या फिर इसका पहले एग्जांपल समझ लीजिए कि किस टाइप से हो सकता है, क्या क्या हो सकता है। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो, ये हो सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्स स्क्वायर माइनस टू, ये हो सकता है मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स, ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। एज सून एज इस टाइप से हो सकता है। अब इसका हम लोग रूट्स देखते हैं कि इसका रूट्स क्या हो सकता है। तो इसका रूट्स मतलब कहने का मतलब यही है कि रूट्स मतलब एक्स का मान जब पावर टू है तो एक्स का मान कितना हो सकता है, दो हो सकता है। ज़्यादातर पॉसिबल क्या है, दो हो सकता है, या दोनों का मान मतलब एक्स का मान दो निकले लेकिन इक्वल भी हो सकता है, इक्वल एंड अपोजिट भी हो सकता है। चलिए यहाँ पर रूट्स क्या हो सकता है, एक्स इक्वल टू जब हम लोग लिखते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। आपने इस चीज़ को कहीं पढ़ा है, याद कीजिए थोड़ा। यदि याद नहीं आ रहा है तो ज़रूर आप 10 क्लास थोड़ा रिकॉल कर लीजिए। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप चैप्टर नहीं पढ़े हैं 10 क्लास में, छोटा सा ये कंसेप्ट है द्विघात समीकरण का, तो वहाँ से ये इक्वेशन निकल करके आता है, ठीक है। तो यदि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं पढ़े हैं तो आप मेरे साथ आइए, अभी हम 10 क्लास में बहुपद चैप्टर चल रहा है तो उस चीज़ को चलते आइए, फिर हम लोग यहाँ पर बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे। तो x इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइड बाई टू। जब दोनों को मान मतलब एक का मान क्या मान लिया जाए, अल्फ़ा मान लिया जाए, तो कितना जाएगा माइनस बी प्लस, एक प्लस वाला लेते हैं, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई टू ए, ये हो गया मेरा। फिर अगला जब बीटा मान इसको लिया जाए तो कितना माइनस बी प्लस अंडर माइनस हो जाएगा, सॉरी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये निकल करके आ जाएगा डिवाइडेड बाई टू ए, ठीक है। अल्फ़ा और बीटा का मान ये निकल के आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए अल्फ़ा और बीटा का मान यहाँ से तो आ गया, अब अलग अलग हो सकता है, तो यहाँ से हम क्या निकाल, समेशन ऑफ रूट भी निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल सकते हैं, डिफरेंस ऑफ रूट रूट निकाल सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकाल सकते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान निकाल सकते हैं, अल्फ़ा माइनस बीटा का मान निकाल सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्या कि जब क्या हो जाए कि बी स्क्वायर माइनस व्हेन, ये नोट कर लीजिए क्या होगा कि व्हेन बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ये ग्रेटर देन ज़ीरो, ये ग्रेटर देन क्या हो, ज़ीरो हो, तब क्या हो सकता है ना, तब क्या होगा कि जब ये ग्रेटर देन क्या हो, ज़ीरो के बराबर, ये कहने का मतलब जब इसके अंदर में रूट के अंदर में ज़ीरो से बड़ा वैल्यू आए तब क्या होगा। तो यहाँ पर आता है कितना कि रियल टू रूट्स, रियल टू रूट्स है ना, टू रूट्स, ठीक है, रियल टू रूट्स। फिर क्या हो जाए कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ये किसके बराबर, जीरो के बराबर आ जाए, ये कितना आता है इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स निकलता है, ठीक है, समान रूट निकल करके आता है। जब क्या हो जाए कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ये क्या आ जाए, लेस देन ज़ीरो आ जाए, तो अब इसमें क्या होगा, लेस देन ज़ीरो, ज़ीरो से छोटा आ जाए तो इसको बोलते हैं हम लोग इमेजिनरी रूट्स, इमेजिनरी रूट्स, जिसको हम लोग आइटा से डिनोट करते हैं, इमेजिनरी रूट्स, ठीक है, जिसको हम लोग आभास करते हैं कि ऐसा कुछ होगा उसको हम लोग इमेजिनरी रूट्स बोलते हैं, ठीक है, ये कंडीशन आ गया। ये चीज़ होता है जब, अब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को जब हम लोग 10 क्लास में पढ़े थे डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, जिसको हम लोग डी से डिनोटेड करते हैं, हम लोग डी से डिनोटेड करते हैं इसको, है ना। क्या होता है यहाँ पर कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जो होता है उसको हम लोग डी भी बोलते हैं,
इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, उसको लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। यहाँ तक हो गया तो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे नोट कीजिए। फिर आगे हम लोग देखते हैं, आगे जब हम लोग देखेंगे क्या देखेंगे, देखिए इसको जब नोट कर लिए तो यहाँ पर हम मिटा देते हैं। कितना निकल के आ जाएगा देखिए, सम ऑफ रोड्स, ठीक है, सम ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए कैसे आएगा, देखिए सम ऑफ रूट्स, दोनों रूट्स को जोड़िए, अल्फा प्लस बीटा को जोड़ेंगे तो कितना क्या क्या हो जाएगा, तो ये दोनों कट जाएगा, जब जोड़ेंगे तो नीचे में भी टू ए, नीचे में ऊपर यहाँ भी टू ए है, यहाँ ये प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी या माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है, तो ये दोनों कट जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस टू बी हो जाएगा, माइनस टू बी हो गया तो टू ए नीचे में है, कट करके कितना माइनस टू ए बी माइनस बी बाई ए आ जाएगा। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमको कुछ ना कुछ रिजल्ट मालूम चल जाएगा, ठीक है, ये चीज़ होता है समेशन ऑफ रूट्स। अगला होता है क्या कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना सी वाई ए निकल करके आता है, जब इसको आप कैलकुलेशन करेंगे ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सी वाई ए निकल करके आएगा, ठीक है। अब अगला होता है क्या कि डिफरेंस ऑफ रूट्स, रूट्स कितना अल्फा माइनस बीटा, डिफरेंस ऑफ रूट्स, अब इसमें इसको घटा रहे हैं, अब इसको इसमें घटा रहे हैं तो माइनस है तो इसको अंदर घुसाएंगे तो प्लस भी हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये दोनों प्लस हो जाएगा, जब ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया तो ये माइनस में, तो ये दोनों कट जा गया, कट गया तो यहाँ पर में कितना हो जाएगा, अंडर यहाँ अंडर रूट कितना है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है, यहाँ भी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी हो जाएगा, तो ये दोनों जुट करके आ जाएगा हमको टू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, नीचे में भी टू ए है तो कट करके मेरा कितना बचेगा, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ठीक है, बटे ए बचेगा, ये चीज़ मेरा निकल करके आया। तो इस चीज़ को आप नोट कीजिए, यदि हमारे वीडियो को बहुत ही अच्छा लग रहा हो तो लाल वाला बटन दबा करके सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हम लोग आगे इससे वाला आगे वाला लेक्चर में हम लोग आने वाला जस्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ कैसे होता है, इसका हम लोग कैसे क्या करते हैं, वो चीज़ हम लोग देखेंगे। तो थैंक यू।